नमस्कार सभी माताओं बहनों को, पंडित वीरेंद्र शुक्ला का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। जितनी भी दुनिया की माताएं बहने हैं, उन सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान आप सभी को लंबी आयु, सदा सुहागन का आशीर्वाद प्रदान करें और खूब सारी खुशियां दें। मैं यहां पर आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग करवा चौथ को किस तरह से सेलिब्रेट करें, किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका करवा चौथ निर्विघ्न संपन्न हो, और किन सावधानियों का आप ध्यान रखें जिससे आपके पास किसी तरह की तकलीफ ना आए, और आप जिस पर्पस से, जिसके लिए आप ये पूजा कर रहे हैं, वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए और उसमें कोई तकलीफ ना आए। क्योंकि इसमें कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी भी होती हैं जिनका बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुहूर्त से मैं शुरुआत करता हूँ। प्यारी बहनों और माताओं, करवा चौथ 8 अक्टूबर 2017 के दिन मनाया जाएगा। यह कार्तिक माह की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसको संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी की पूजा की जाती है इस दिन और गणेश जी का उपवास विशेष तौर पर रखा जाता है। इसी वजह से ये दोनों ही त्यौहार एक ही दिन पड़ते हैं और इनको एक साथ ही मनाया भी जा सकता है। यह त्यौहार मनाने के पीछे चंद्र देव की पूजा की जाती है। पति की लंबी आयु के लिए, सदा सुहागन का आशीर्वाद आपके सर पे परमात्मा हमेशा बनाए रखे, इन सब के लिए। तो कल चंद्रोदय का समय है, 8:14 पर दिल्ली का ये समय है। डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके अंदर 5-7 आगे पीछे का डिफरेंस जरूर रहेगा, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। और पूजा का जो शुभ समय होगा वो शाम को 5:55 से शुरू होकर शाम को 7:09 तक होगा। तो आप इस दौरान में यदि पूजा पाठ करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी पूजा, कहा जाता है कि इस दौरान में पूजा करने से उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ये तो थे मुहूर्त की बात। अब चलिए शुरू करते हैं कि इसको मनाया किस लिए जाता है और कैसे मनाते हैं इसको। यह पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सदा सुहागन का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है और इसको अक्सर विवाहित महिलाओं के द्वारा पूरा किया जाता है। कुछ स्टेट्स में, कुछ राज्यों में अविवाहित कन्याएं भी, बहनें भी इसका व्रत रखती हैं जिससे उन्हें अच्छा पति मिले, सदा सुहागन का आशीर्वाद उनके भी सर पर हमेशा बना रहे, इसीलिए इसको मनाते हैं। करवा चौथ का व्रत जिस दिन भी यह होता है, अर्थात जो कार्तिक की चतुर्थी को होता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है और सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय के समय तक इसका उपवास रखा जाता है। ये बहुत कठोर होता है, ये बात का ध्यान रखिए। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें कि इस व्रत में पानी तक भी नहीं पिया जाता जब तक आप लोग शाम की पूजा ना कर लें। इसको तीज की तरह ही कुछ हद तक मनाया जाता है। जैसे वो कठोर व्रत होता है, ऐसे ये भी कठोर व्रत मनाया जाता है। और इसको मनाते क्यों हैं, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मनाने के पीछे ये विधान है कि माता पार्वती, भोलेनाथ जी, कार्तिकेय महाराज जी और गणेश जी की, इनकी विशेष तौर पे पूजा की जाती है करवे के तौर पर, और करवा माता होती हैं। इस जगह पे एक करवा मिट्टी का रखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है और जो करवा माता होती हैं उनकी भी पूजा की जाती है। और ये इसलिए किया जाता है जिससे आपके पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिला रहे। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कोई बार बार गलती ना करें, बहुत अच्छे से समझ करके करें। करवा चौथ व्रत जो भी मनाते हैं उनको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। वो बातें तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मेरा वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। और आप लोगों के यदि कोई सुझाव है, सलाह है, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके दें। इसमें
जो करवा चौथ की पूजा होती है इसमें चंद्रदेव की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है ये आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूं। जैसा कि आप सब शायद जानते ही होंगे, चंद्रदेव जी को आयु का कारक माना जाता है और ये भगवान भोलेनाथ जी की जटा में निवास करते हैं। इनको वहां पर शोभित होने के लिए विराजमान किया गया है। और भोलेनाथ जी का वास कहाँ है ये आप सबको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। किस चंद्रदेव को कालों का महाकाल भी कहा जाता है। ये अपार खुशियों के मालिक भी होते हैं जो आपको देते हैं। ये बहुत सारा आशीर्वाद देने के भी मालिक हैं। और चंद्रदेव को इनके सर पे इसलिए विराजमान किया गया है ताकि जो लंबी आयु का आशीर्वाद चाहते हैं वो भोलेनाथ जी की और चंद्रमा की पूजा करें और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ एपिसोड्स में दिखाया भी गया है कि चंद्रदेव को अमरता का वरदान प्राप्त है और ये आयु के कारक माने जाते हैं। और जो इनके रिश्तेदार होते हैं चंद्रमा के, वो माँ, नानी, दादी, बुजुर्ग औरतें और महिलाएं ही होती हैं। तो आपको यदि, यानी कि जो पुरुष हैं, यदि वो लंबी आयु का आशीर्वाद चाहते हैं और अपने घर में खूब सारी सुख समृद्धि चाहते हैं तो महिलाओं का सम्मान करना अवश्य सीख लें, जिससे उनका चंद्र बहुत अच्छा हो जाएगा। उनको लंबी आयु भी मिलेगी, उनको हर तरह के सुख भी मिलेंगे और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा भी बनी रहेगी। और जो कुंवारे लड़के हैं उनको ऐसी अर्धांगिनी का सौभाग्य प्राप्त होगा जो बहुत अच्छी होंगी, जिनके परिवार में माँ, नानी, दादी का लंबी आयु का सुख भी होगा और वो बीमार भी नहीं होंगे। और उनके आते ही आपके परिवार में खूब तरक्की होने लग जाएगी। इसीलिए जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, अविवाहित हैं, वो इन रिश्तों का खास तौर पर ध्यान रखें। तो अब चलते हैं सावधानी की तरफ कि इस करवा चौथ के व्रत में किस तरह की सावधानी का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले सभी माताएं बहनें इस बात को ध्यान से सुने कि इस व्रत के दिन आप किसी की भलाई बुराई में ना उलझें, किसी की चुगली ना करें, चाहे आपके लिए कोई इंसान कैसा भी हो, आज के दिन आप अपने ऊपर धैर्य जरूर रखें जिससे आपका व्रत खंडित ना हो और आपको खूब अच्छा आशीर्वाद प्रदान हो सके। दूसरी बात यह है कि आज के दिन आप कोई भी नुकीले हथियार, जैसे चाकू हो गया, सुई हो गया, कैंची हो गया, आग हो गई, इन चीज़ों से कोशिश करें दूरी बना करके रखें तो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा और आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप इसकी अशुभता से बचे रहेंगे। नंबर तीसरी जो जरूरी बात यह है कि आज के दिन आप यदि हो सके तो घर में कपड़े ना धोएं और अग्नि तत्व से तो बचें ही बचें, किसी भी तरह की गाली गलौज बिल्कुल ना होने दें घर में, इस बात का ध्यान रखें। और घर के अंदर किसी भी तरह का क्लेश ना करें। अगर घर के अंदर क्लेश होगा, घर के अंदर का वातावरण दूषित होगा तो आपका ये व्रत आपको जहाँ इतना सारा फल देने वाला है वहाँ इतना देगा। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं कि अगर आपके सहन शक्ति की यदि कोई परीक्षा ले तो आप उसमें फेल ना हो, आप उसको ही फेल करके दिखाएं, अपने ऊपर धैर्य रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं आपको फिर दोबारा से ऐसी ही बहुत अच्छी और ज़रूरी जानकारी के साथ मिलता रहूँगा, लेकिन मिलने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और जो बेल बटन है, बेल आइकन वाला बटन है, उसको भी आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि बहुत सारी काम की वीडियोज़ मैं आप लोगों को भेज सकूँ। एक खास बात चलने से पहले जरूर बताऊंगा कि जो भी मैंने आपको करवा चौथ से संबंधित जानकारी दी है या जो भी मेरे वीडियोस आपके इस मेरे प्लेलिस्ट में हैं वो सारे वीडियोस आप देखें, जरूर आपके घर में खुशियां कायम करने में सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय माता दी।